इस समय का बहुत ही दुखद समाचार जो कि नॉर्थ कश्मीर से निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें एक टिप्पर ने तेज रफ्तार से वो आया और उसने एक 8 वर्षीय लड़की पर जो है वो अपना टिप्पर जो है वो चला दिया, जिस वजह से उस लड़की की जो है वो मृत्यु हो गई। फिलहाल इस समय का बहुत ही दुखद मामला है। ये मामला जो है वो नॉर्थ कश्मीर बनाली बनवार से जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक टिप्पर जो कि तेज रफ्तार में आ रहा था, और वही अगर हम बच्ची की बात करें तो आपने जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो वो बच्ची है वो स्कूल से जो है वो जा रही होती है, और वहीं पर टिप्पर जो है वो तेज रफ्तार में आता है और उसी बीच लड़की के ऊपर जो है वो ट्रिप जो है वो लड़की को कर देता है, और उसी बीच लड़की की जो है वो मृत्यु जो है वो हो जाती है। उम्र की अगर हम बात करें तो 8 वर्षीय जो है वो इसकी उम्र है, और ये बच्ची की पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। राफिया मुश्ताक जो है उस लड़की का नाम है, इस बच्ची का नाम है जो की रहने वाली बनाली बोरियाल की है, और ये अपने स्कूल की तरफ जो है वो जा रही थी, और उसी बीच टिप्पर जो है वो तेज रफ्तार से आया और उस टिप्पर ने इतनी जोर से चीख किया कि इस बच्ची की ऑन स्पॉट जो है वो मृत्यु जो है वो हो गई। और वहीं अगर हम बात करें पुलिस इस मामले की तहकीकात जो है वो अभी कर रही है। आए दिन बहुत सी ऐसी सड़क दुर्घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें एक शख्स खुद को डूबता है और दूसरे को भी जो है वो डूबा कर ले जाता है, यानी साथ जो है वो ले जाता है। अभी आप देखें कि उसकी बच्ची के परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, क्या नहीं बीत रही होगी, वो आप जान सकते हैं। पर फिलहाल दुआ कीजिए कि उसका जो परिवार है इस सदमे से जो है वो उबर सके, क्योंकि इन सदमे से उबरना बहुत मुश्किल है। जिसका परिवार का सदस्य गया है वही जानता है कि ये दुख आखिर है तो है क्या। तो आज तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, जब भी आप अपने वाहन को बाहर लेकर निकलते हैं तो कृपया अपने वाहन को धीमी आंच पर चलाएं, ताकि किसी और का नुकसान जो है वो आपकी वजह से ना हो, ना कोई परिवार अपने परिवार का सदस्य जो है वो आपकी वजह से ना हो। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन दीजिए। आज की वीडियोज के लिए बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ।